इनफैक्ट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है समझना कि व्हाट इज फ्रेंडशिप, नॉट कि हम अच्छे फ्रेंड कैसे चुने, बल्कि फ्रेंडशिप होती क्या है। बट ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते, डिपेंड करता है उस फ्रेंड के साथ में हमारी क्या इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ में उतना ही शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो अगर कोई थेरेपिस्ट के पास में आप जाते हो, उनके सामने तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर सकते, तो क्या वो सबसे अच्छे फ्रेंड हो गए हमारे, क्या वो फ्रेंडशिप है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड हमारे सबके कॉन्सेप्ट हिले पड़े हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप को कुछ भी समझने लग जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हमारे अंदर इतना एंगर आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मैंने लोगों के अंदर देखा है अपने दोस्तों की वजह से, खुशी नहीं आती है, दुख आ जाता है कि मैंने तो उसकी हेल्प करी, अब देखो वो पीछे हट गया, जब उसका टाइम है हेल्प कर देगा। ऐसा होता है, नहीं होता है कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ में था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो उसने बहाना बना दिया, एंड ही इज नॉट देयर विद मी। क्या ये फ्रेंडशिप होती है, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करना? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने कोई खास फ्रेंड है, उसको पैसे की जरूरत हुई, उन्होंने कहीं से पैसे उठा करके उसको दे दिए, अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो उसका फोन तक नहीं उठाता है। क्या ये फ्रेंडशिप है? इसको आराम से बैठ करके इंक्वायर करना होगा। हम कभी इंक्वायर नहीं करते हैं, हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, व्हाट इज फ्रेंडशिप। डोंट बी इन अ रश टू गिव एन आंसर, दैट इज द प्रॉब्लम विच वी ऑल हैव इन लाइफ। हम सबके पास में आंसर्स तो हैं बट क्वेश्चंस नहीं है, हम कभी एक्चुअल में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं फ्रेंडशिप क्या है। अगर वो हमको समझ आ गया तो हम उसको उसी की जगह पे रख देंगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, किसी भी फ्रेंडशिप में सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले खुद को बचा करके चलना है, फिर उसको बचाना है। जैसे आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहां बोलते नहीं है कि यहाँ पे अगर एयर प्रेशर में प्रॉब्लम होती है या ऑक्सीजन का मास्क नीचे आता है तो पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में अपने बच्चे का लगाना। ये फ्रेंडशिप का पहला उसूल है। अब ये बहुत अलग है उस सबसे जो भी हमारे दिमाग में फ्रेंडशिप के फंडे बैठे हुए हैं, यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और फिर आपका फ्रेंड आपको फोन कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको स्पेयर मनी में से पैसा दे रहे हो, तब तो ठीक है, और ये सोच करके दे रहे हो कि मैंने दे दिया और टॉपिक क्लोज, ये वापस नहीं आएगा, ना मैं दोबारा कभी मांगूंगा ना वो वापस करेगा, वापस आ गया तो बोनस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट गिव दैट मनी, मना कर दो। तो एटलीस्ट जो आपकी इक्वेशन है उसके साथ में वो खराब नहीं होगी। और किसी को फ्रेंड बनाना है तो बनाए कैसे, उससे पहले समझना पड़ेगा फ्रेंडशिप क्या है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंडशिप की, वो ये है कि दो लोगों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। और आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो सकता है अगर आप दोनों का कॉमन गोल है तो, और आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो सकता है अगर कॉमन गोल नहीं है तो। दोनों के लिए लड़की कॉमन गोल है, पर लड़की के लिए दोनों कॉमन गोल नहीं है ना। लड़की ये नहीं कहेगी ना कि मैं तुम्हारे साथ भी डेट करूंगी, तुम्हारे साथ भी करूंगी, चलो तीनों साथ में चलते हैं। तो लड़की दोनों में से किसी एक को चुनने वाली है, तो दोनों का गोल देखने में सेम लग रहा है लेकिन अलग हो गया ना। दोनों को उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है और दोनों में से एक ही जा सकता है, हो गई लड़ाई। तो मैंने क्या कहा, दोस्त भी कट्टर दुश्मन हो सकते हैं। मैंने क्या कहा कि दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए तो दोस्ती पॉसिबल है। अब वो कॉमन गोल शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो शॉर्ट टर्म में दोस्ती भी खत्म हो गई, लॉन्ग टर्म में अचीव हुआ तो लॉन्ग टर्म तक वो दोस्ती चली, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गई। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपके और जो दूसरा इंसान है, दैट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, दैट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप और अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्या वहां पे कुछ कॉमन है, क्या कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अपनी लाइफ से चाहिए। शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म दोस्ती क्या होती है, दोनों को पार्टी करनी है, पार्टी करी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। दोनों को अपना अपना गोल था, दोनों ने अपना अपना गोल अचीव किया, भाड़ में जाओ, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट जिसको आप जॉब कहते हो वो भी एक तरह की फ्रेंडशिप है, एक एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉई को कुछ चाहिए, अगर दोनों मैच होता है तो एक रिलेशनशिप वहां पर है, और तब तक है जब तक दोनों का वो सेम गोल है। तो आप ध्यान से समझते हैं कि जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वहां पे फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप की वो वहां पर है, और जगह पर नहीं है। और तो रिलेशंस टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बदलते रहते हैं। आपने देखा ही होगा, आप लोगों की एज कोई अब 15-20 साल तो है नहीं, नियर अबाउट 30 ईयर्स के आसपास आप लोगों की एज है, तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया होगा अपनी लाइफ में। जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अंदर से उनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो ऑफिस तक ही हैं। दूसरे हैं वो वॉक करने के लिए हैं सुबह सुबह, कोई जिम में है,
बट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ पूरी लाइफ आप आगे बढ़ने वाले हो, वहां पर कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप ढूंढ पाते हो तो फ्रेंडशिप की गुंजाइश है। और जितना ज्यादा कॉमन गोल्स हैं दोनों के पास में पूरी लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक लड़का है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, एक लड़की है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, कॉमन मतलब ये नहीं है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तुम मुझे इंजीनियर बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो कंपैटिबिलिटी हो गई, तो कॉमन गोल हो गया। अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, ध्यान से समझना, एक लड़की है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, लड़का है उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, यहां पे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी भी तब भी वो रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, या तो वो ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा शादी के बाद में। मैं क्या कह रहा हूं, जितने ज्यादा कॉमन गोल्स हैं उतनी ही स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर एक भी कॉमन गोल नहीं है तो नो फ्रेंडशिप, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं तो दुश्मनी, फ्रेंडशिप को अपोजिट। जैसे दो कंपनीज हैं, दोनों का टारगेट सेम कस्टमर है, तो दोनों की आपस में दुश्मनी है। अब दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता लड़ेंगे मरेंगे हाथापाई करेंगे, व्हाटएवर, दुश्मनी है, दे आर लाइक एनिमीज इन अ बैटलफील्ड। एग्जैक्टली, इसको आप एक रिलेशनशिप बोलो वो बेटर है, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप का जो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज है उनको अवॉइड करो, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कॉमन एरियाज है उसको डिस्कवर करो और उस पर फोकस करो, तो दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, दोस्ती पक्की होती चली जाएगी। आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किससे क्या रिलेशनशिप है, उसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हो, फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। ये दुनिया एक बैटलफील्ड के जैसी है, तो बैटलफील्ड में आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान कि जब एक्चुअल में जरूरत हो तो आपके साथ में खड़ा हो। वो कब खड़ा होगा, जब उसको जो अपनी लाइफ से चाहिए उसको ये लगेगा कि बिना आपके वो अचीव नहीं हो सकता है। मान लो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है, अब वो दोस्ती पक्की हो गई। बट उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए और आप बात कर रहे हो सपोर्ट सिस्टम की, तो वहां पे कहां दोस्ती हुई। उसको क्या चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको क्या चाहिए और क्या वो आपस में मैच हो पा रहा है। दोनों फन लविंग है तो दोनों की लाइफ का कॉमन गोल हो गया, लेकिन एक है जो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही सीरियस रहता है अपनी लाइफ से, उसको ना मूवी देखने का शौक है ना कहीं घूमने फिरने का शौक है, और एक है जो दुनिया घूमना चाहती है या चाहता है और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, एडवेंचरस है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, अब यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई थिंक दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन जो भी आज हमने करी है, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है। आई होप आपको आंसर मिला होगा आपके इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन के साथ में इस सेशन को हमने शुरू किया था। Wish you all the best, and it was a pleasure meeting you and pleasure talking to you. Thank you.